हेलो एवरीवन, पूनम्स किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सिर्फ 2 कप दूध से बाजार जैसी गाढ़ी रबड़ीदार कुल्फी बनाएंगे, तो बहुत ही क्रीमी और मुंह में घुल जाए ऐसी मलाई कुल्फी बनाना शुरू करते हैं। आधा लीटर फुल क्रीम का दूध लिया है, इसे पैन में डाल देंगे। 250 ml कप का माप से 2 कप दूध है, इसमें से 3 से 4 टेबलस्पून जितना दूध निकाल लेंगे। गैस चालू कर देंगे और दूध में एक उबाल आए तब तक इसे तेज आंच पे गरम करेंगे। 8 काजू और 8 बादाम लिए हैं, इसे मिक्सर जार में डाल देंगे। 4 से 5 इलायची के दाने निकाल के लेना है। इलायची के दाने मैंने निकाल लिए हैं, इसे भी मिक्सर जार में डाल देंगे। इसे पल्स बटन दबा के ग्राइंड करेंगे और रफली पाउडर बनाएंगे। काजू बादाम का पाउडर बना के रेडी कर दिया है, इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। बाउल में दूध निकाल के रखा था, इसमें 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डालेंगे। आपके पास अगर कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप गेहूं का आटा भी डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर देंगे। दूध में एक उबाल आ गया है, गैस की फ्लेम धीमी कर लेंगे। काजू बादाम का पाउडर बनाया है, ये डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और चलाते जाएंगे। काजू बादाम का पाउडर अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए, इसमें लम्स नहीं रहना चाहिए। मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट के लिए उबालेंगे। 2 से 3 मिनट इसे लगातार चला के उबाल लिया है और दूध थोड़ा सा गाढ़ा भी हो गया है। गैस की फ्लेम धीमी रखेंगे। कॉर्नफ्लोर का मिश्रण बनाया है, इसे अच्छे से चला लेंगे और इसमें डाल देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे लगातार चला के 2 से 3 मिनट के लिए उबालेंगे। कॉर्नफ्लोर डाला है तो इसका लम्स नहीं रहना चाहिए, अच्छे से चला के इसे उबालना है। 3 मिनट के लिए दूध को उबाल लिया है और आप देख सकते हैं दूध गाढ़ा हो गया है। गैस ऑफ कर देंगे। कैरेमल बनाने के लिए कढ़ाई को हम गर्म करेंगे, गैस चालू कर देंगे। कढ़ाई थोड़ी गर्म हो गई है तो इसमें 1/3 कप यानी 5 टेबलस्पून चीनी डालेंगे और चीनी को इस तरह से फैला के कढ़ाई में डालना है। चीनी थोड़ी मेल्ट होने लगे तब तक हम इसे तेज आंच पे रखेंगे, इसे हमें चलाना नहीं है, ऐसे ही इसे मेल्ट होने देना है। और आप देख सकते हैं चीनी मेल्ट होने लगी है, तो अभी हम गैस की फ्लेम थोड़ी धीमी कर लेंगे, लो टू मीडियम पे रखेंगे, नहीं तो चीनी जल जाएगी। चीनी थोड़ी मेल्ट हो गई है, अभी हम इसे चलाएंगे। साइड की चीनी है, इसे बीच में कर देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे चला के इसे मेल्ट करेंगे। अभी तेज आंच पे नहीं रखना है, नहीं तो चीनी जल जाएगी, फिर इसका टेस्ट कड़वा हो जाएगा। चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है, अभी हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे लगातार चला के लाइट गोल्डन कलर आ जाए तब तक इसे कुक करेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लाइट गोल्डन कलर आ गया है, इससे ज़्यादा हमें कुक नहीं करना है। गैस ऑफ कर देंगे। दूध हमने उबाल के रखा है, इसे अच्छे से चला लेंगे और ये धीरे से डाल देंगे। गैस चालू करके हम दूध अंदर डालेंगे तो उछल के बाहर आ सकता है। लो टू मीडियम फ्लेम पे लगातार चला के चीनी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए तब तक इसे चलाएंगे। आप देख सकते हैं चीनी कैरेमल हमने की, इसका कलर दूध में बहुत ही अच्छा आ गया है। चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है, अभी मीडियम फ्लेम पे लगातार चला के 3 से 4 मिनट के लिए उबालेंगे। इसे 4 से 5 मिनट अच्छे से उबाल लिया है और आप देख सकते हैं मिश्रण एकदम गाढ़ा हो गया है। इतना हमें गाढ़ा मिश्रण बनाना है। गैस ऑफ कर देंगे। कढ़ाई को गैस पे से नीचे उतार लेंगे, ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए तब तक इसे लगातार चला के ठंडा करेंगे। इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो ऊपर मलाई की परत जम जाएगी। कुल्फी का मिश्रण एकदम ठंडा हो गया है, मैंने इसे लगातार चला के ठंडा किया है तो आप देख सकते हैं कि इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है। कुल्फी के मिश्रण को एक जार में ले लेंगे। मैंने यहाँ पे कुल्फी का मोल्ड लिया है, आपके पास इस तरह का मोल्ड नहीं है तो ऐसा स्टील का ग्लास होगा उसमें भी आप सेट कर सकते हैं, और छोटे स्टील के डब्बे हैं तो उसमें भी आप सेट कर सकते हैं। इसमें हम ये कुल्फी का मिश्रण डाल देंगे। पेपर का कॉफी कप आता है उसमें भी आप इसे सेट कर सकते हैं। सभी मोल्ड मैंने भर दिए हैं, इसके ऊपर एल्युमिनियम फॉइल लगाएंगे इस तरह से।
आपके पास एल्यूमिनियम फॉइल नहीं है तो आप प्लास्टिक सीट लगा के इसके ऊपर रबर बैंड लगा सकते हैं। इस तरह से सभी मोल्ड के ऊपर एल्यूमिनियम फॉइल लगा देंगे। इसके ऊपर नाइफ से थोड़ा सा छेद करेंगे और आइसक्रीम स्टिक लगाएंगे। इसे 8 से 9 घंटा या फिर ओवरनाइट फ्रीजर में सेट करने के लिए रख देंगे। कुल्फी को मैंने ओवरनाइट फ्रीजर में रखा था, ये सेट हो गई है। कुल्फी मोल्ड को कुछ सेकंड के लिए पानी में इस तरह से रखेंगे, इस तरह से हाथ से रगड़ के इसे अनमोल्ड करेंगे। आप देख सकते हैं एकदम गाढ़ी रबड़ीदार कुल्फी बनके रेडी हो गई है। एकदम गाढ़ी क्रीमी और रबड़ीदार कुल्फी बनके रेडी हो गई है। ये बहुत ही टेस्टी है और मुंह में घुल जाए ऐसी बनी है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ।